एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम गए थे तोशाली मेला, जो कि हर साल भुवनेश्वर में लगता है। एंड इस बार ये 1 फरवरी से लगना चालू हुआ है एंड 12 फरवरी तक चलने वाला है। एंड टाइमिंग्स है इसकी दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आप इसके बीच में कभी भी जा सकते हैं। एंड हम यहाँ पे पहुँचे एंड देखा हमने कि काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह हो रखी हैं रोड्स में एंड लाइट्स वगैरह लग रखा है। एंड हमने राइट साइड में हमें एक छोटा सा रास्ता दिखा, तो हम यहीं से चले गए थे अंदर। एंड जाते ही अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। हमने सबसे पहले ये संबलपुरी जो हैंडलूम है उसका सेक्शन देखा, काफ़ी प्यारे प्यारे साड़ीज़ वगैरह थी यहाँ पे। आपको बता दूँ, जो संबलपुरी हैंडलूम है हमारे उड़ीसा में बहुत फेमस है एंड लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे आपको जो बीच में शेड दिख रहा है, जहाँ वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट बैठ के यहाँ पे अलग अलग चीज़ें अपना बेच रहे थे, आप देख सकते हैं इधर। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो एक शॉप मिली हमें, जहाँ पे जो कोकोनट फाइबर है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। ये सारा होम डेकोरेशन का आइटम है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा था। और बाकी सारी जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ें बना रहे थे, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। फिर यहाँ पे हमें एक शॉप मिला जहाँ पे हैंडमेड बास्केट्स वगैरह मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे थे बट प्राइस थोड़े ओवर लगे मुझे, तो हमने बस देख के इनको छोड़ दिया। एंड आपको इस मेले में 2-3 दुकानें ऐसी लगेंगी जो कि बहुत वाइब्रेंट सी लगेंगी। एंड ये सारा का सारा होम डेकोरेशन का आइटम था, ये 2-3 स्टॉल एक साथ लगे दिखेंगे आपको। और सब कुछ इतना कलरफुल है एंड इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टॉल दूर से ही, बस देख के मज़ा आ गया। एंड इसके बाद हम लोग एक और स्टॉल पर गए थे, जहाँ पर कोकोनट जो शेल होता है उसकी ये चीज़ें बनाई हुई थी। कुछ यहाँ पर ज्वेलरीज बनाई हुई थी, कुछ होम डेकोरेशन के आइटम थे एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि कैसे उन्होंने बनाया है इस चीज़ को। एंड इसके बाद हम आगे गए, आगे हमें एक स्टॉल दिखा जहाँ पे अलग अलग कलरफुल दुपट्टे मिल रहे थे, इतने प्यारे थे एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। वैसे तो पहले उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा बताया था, पर फिर हमने थोड़ा बार्गेन किया तो उन्होंने कम कर दिया था। मैंने एक दुपट्टा ट्राई किया, तो कॉमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। एंड इसके बाद मेरी बहन को चिकनकारी कुर्ती लेनी थी, तो हम लोग वो लखनऊ वाले स्टॉल्स में गए। हमने यहाँ पर देखे काफ़ी प्यारे चिकनकारी कुर्तियाँ थी, तो उसने एक ली खरीद। इसके जस्ट सामने ही ये कारपेट की शॉप थी, यहाँ से हमने कारपेट लिया जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया। एंड फिर हम चले गए इस ज्वेलरी शॉप में। ओ माय गॉड यार, इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज थी यहाँ पे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज इतनी अच्छी थी यार, मेरा दिल आ गया कसम से। पर यार प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, तो हमने ऑब्वियसली छोड़ दिया इसको। एंड इसके बाद बेडशीट्स काफ़ी अच्छी मिल रही थी, हमने कुछ बेडशीट्स ली यहाँ से। एंड ये कुछ फुटवेयर के शॉप्स यहाँ पर मिले थे हमें, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चप्पल यहाँ पे मिली हमें। एंड इसके बाद ये कुछ होम डेकोरेशन, अगेन काफ़ी सारे होम डेकोरेशन के स्टॉल लगे थे यहाँ पे। एंड ये जो है ये ड्रीम कैचर है, बहुत सुंदर लग रहे थे कलरफुल से। यहाँ पे एक स्टॉल में मधुबनी आर्ट का सब कुछ मिल रहा था, मतलब इस प्रिंट के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड ये पूरा कलेक्शन था इस स्टॉल में एंड पूरा मेला इतना कलरफुल लग रहा था यार। वेल, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैंडमेड ही थी यहाँ पे। एंड बहुत सारी जगहों से, अलग अलग जगहों से लोग आए थे। और फिर हमने यार बहुत घूमा यहाँ, वह सारे स्टॉल्स हमने देखे। फिर आखिरी में ये बच्चों के लिए कुछ राइड्स भी लगाए गए हैं। फिर बीच में जो टेंट लगा था हम लोग उसके अंदर भी गए थे एंड उसके अंदर कुछ एग्जीबिशन सा था, आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी। हमने सारा मेला देख लिया था, इसके बाद हम गए फूड स्टॉल्स में, जिसकी वीडियो अलग से आएगी। सो स्टे ट्यून एंड बस दैट वाज इट। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।